नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। महाराष्ट्र दिन पर मुंबई के चेंबूर तिलक नगर में वार्ड क्रमांक 149 में बीजेपी मुंबई महासचिव गुरुनाथ मेडबाउकर व लायंस क्लब ऑफ घाटकोपर के सहयोग से निःशुल्क आरोग्य शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें तमाम स्थानिक लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आज महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन है, इस अवसर पर हमने मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पर किया। उसका मकसद ये है कि हमारे परिसर में, हमारे वार्ड में रहने वाले हमारे नागरिक, वो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आज छुट्टी का दिन होने के कारण उनको भी एक मौका मिला है कि अपनी तबीयत, अपना जो स्वास्थ्य है वो डॉक्टर को दिखाए और क्या दिक्कत हो रही है और क्या हो सकती है, इसकी एक जानकारी उनको मिलनी चाहिए। ये हेतु हमारा इस कैंप रखने के पीछे था। देखा जाए तो स्लम एरियाओं में काफ़ी लोग बीमार की मात्राओं में जूझते रहते हैं, स्लम एरियाओं में ऐसे कैंप क्यों नहीं किए जाते? ऐसे कुछ विषय नहीं, लेकिन मोस्टली जो कैंप होते हैं वो ज़्यादा करके स्लम एरिया में होते हैं। इस तरह के बिल्डिंग एरिया में कोई कैंप करने को देखता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड है, उनको इस तरह के कैंप की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज कैंप लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा कैंप शुरू होने से पहले यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया, तो इस तरह के मोहल्ले में भी, एरिया में, बिल्डिंग सोसाइटी में भी कैंप होना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र दिन और कामगार दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी महाराष्ट्र के लोगों को बधाइयाँ दूंगा। कामगार की जो सेना है उनको हम बधाई देंगे और ये एक स्वस्थ महाराष्ट्र हो, एक उसकी एक जन जागृति के लिए हमने आज ये कैंप रखा हुआ है। ये कैंप माननीय हमारे प्रभाग समिति के अध्यक्ष सुषम सामंत जी और यहाँ के सोशल वर्कर हमारे श्री मिडबाउकर जी के सानिध्य में इस कैंप का आयोजन किया गया था। इस आयोजन से हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे तिलक नगर में, अपने प्रभाग में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे के प्रति निष्ठा के साथ में रहकर मिलकर और एक स्वस्थ जीवन हम बिता सके, यही एक हमारा ध्येय। बेसिकली ये जो कैंप आज आयोजित किया है, इसकी सुविधाएं मतलब तिलक नगर वासी नहीं ले रहे, तो और भी वार्ड के मतलब पेशम सागर के लोग जो स्लम में रहते हैं उनको भी हम लोग ने इनवाइट किया, मतलब वो लोग भी आ रहे हैं सुबह से। और मतलब समझो राहुल नगर है, पेशम सागर, छेड़ा नगर, मतलब सब जगह पूरे वार्ड के, मतलब ये ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ तिलक नगर वासियों के लिए, मतलब स्लम वालों के लिए भी है। और समझो जो अगर बड़ा मोतीबिंदु का समझो ऑपरेशन किसका करना है या स्लम वाला है, वो अगर इफर्ट नहीं कर सकता, मतलब नहीं भर सकता, तो उसके लिए हम लोग भी अपने तरफ से सहयोग उनको करने के लिए तैयार है। मतलब अभी सवेरे से 9 बजे से लेके बहुत, सही में बोलती, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी इन्होंने जो कहा, गुरुनाथ जी ने जो कहा कि 150-200, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी लोग आएंगे और ये मेडिकल कैंप का सही में लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेंगे।